8 घंटे पूछताछ फिर गिरफ्तारी, सीबीआई ऑफिस में कैसे गुजरी सिसोदिया की रात। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 2021 और 22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी रात सीबीआई हेडक्वार्टर में ही गुजरी, लेकिन इससे पहले डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। आज यानी सोमवार को सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगी। उनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी और सीबीआई पर हमलावर हैं। वही सिसोदिया ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें विश्वास है कि अदालत में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया जाएगा। सीबीआई मुख्यालय के लिए रवाना होने से पहले सिसोदिया ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मथुरा रोड स्थित अपने आवास से राजघाट तक रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने रविवार को पार्टी नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही की पराकाष्ठा और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। पार्टी ने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण गिरफ्तारी की ओर कहा कि भगवान इसके लिए प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेंगे। आपके सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मोदी जी, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। आपके प्रवक्ता एवं विधायक आतिशी ने कहा कि सिसोदिया को पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया वह शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कायाकल्प कर 20 लाख गरीब बच्चों को शिक्षा दी।